ऐसा कुछ भयानक अंजाम जिसने ना सिर्फ एक परिवार या समाज बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य को झकझोड़ कर रख दिया था। परी, होमवर्क केलेस ना? काय? वेरी गुड। जी, एपीआई शिवानी शिर्के? वो यहाँ नहीं रहती है। लेकिन मेमो में तो यही एड्रेस दिया। देखिए, मैं डिपार्टमेंट से आया हूँ, एक महीना हो गया उन्होंने ड्यूटी रिपोर्ट नहीं की। देखिए, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, वो यहाँ नहीं रहती है। देखिए, मुझे डिपार्टमेंट ने भेजा है तो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेमो रखिए और यहाँ साइन कीजिए। ये नंबर आपके फोन में से डिलीट कीजिए मैडम, मुझे कोई लोन वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, तर तुम्ही सांगत होता कि तुमची बहन मिसिंग है 2 महीने से। हाँ सर, एक्चुअली ताई का एग्जैक्ट 2 महीने पहले करीबन 4 मार्च को मैसेज आया था। आशीष, माझा औषधाचं प्रिस्क्रिप्शन है, ऑफिस मधून येताना औषध घेऊन ये। बर, ऐक ना, ताईचा मैसेज आला है, वो 10 दिन के लिए ऋषिकेश जा रही है मेडिटेशन कैंप के लिए, और 10 दिन उसका फोन भी बंद रहेगा। सर, ताई का मैसेज आने के तुरंत बाद मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। और अभी 4 हफ्ते पहले मेरे जीजा जी के घर एक हवालदार आया था मेमो लेके कि ताई ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, तब जाके हमें पता चला। हवालदार? क्या काम करती थी तुम्हारी बहन? सर, ताई पुलिस सब इंस्पेक्टर थी। पोस्टिंग कहाँ थी उनकी? सर, मार्च महीने में ताई की पोस्टिंग नासिक से मुंबई हुई थी, लेकिन उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। और यही सब जानने के लिए मैं उनके नासिक के घर गया था, लेकिन वहाँ पे उनका सिर्फ सामान मिला, ताई नहीं मिली। तुम्हें शक है किसी पर? हाँ सर। किस पर? सर, अजय मोराज करते। जब मैं ताई के घर गया, उनका लैपटॉप ओपन किया ताकि मुझे कुछ रिजर्वेशन या कोई बुकिंग मिले जहाँ ताई गई हो, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ और ही मिला सर। हाँ, अजय कौन है? त्यांचे मिस्टर? नहीं सर, अजय मोरजकर सीनियर इंस्पेक्टर है। सर, ताई ने सबसे पहले मनमाड पुलिस स्टेशन में पुलिस सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी ज्वाइन की, आणि तिथेच ये अजय मोरजकर सीनियर इंस्पेक्टर थे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को गायब किया? हो सर, और ये वीडियो देखने के बाद मैंने ताई के बारे में जानने के लिए अजय मोरजकर को कई बार फोन किए। हेलो। हाँ अजय जी, मुझे शिवानी ताई के बारे में बात करनी है। कौन बोलते है? जी, मैं आशीष बोल रहा हूँ, शिवानी शिर्के का छोटा भाई। माला नहीं माहिती शिवानी कुठे है, मेरा मुंबई ट्रांसफर हो गया, तब से मिला नहीं हूँ उसको। और सुनो, बार बार फोन मत करो मुझको। गावड़े, कोर्ट जाओगे तो ये फाइल साथ में लेके जाना। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के। फर्स्ट पोस्टिंग? यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। सर, जल्दी किसी को भेजना होगा, बस्ती में लफड़ा बढ़ भी सकता है। शिवानी। यस सर। पुराने बाजार के इधर कुछ झगड़ा चल रहा है, तुम जाके देख के आओ, साथ में 2 कांस्टेबल लेके जाना। अब सर, मैं अभी गर्ल्स कॉलेज की इंक्वायरी से आई हूँ, तो क्या आप किसी अभी को जाना होगा, औरतों का लफड़ा है। हाँ, जाओ जाके देखो। ओके सर। अरे वो लेडी इंस्पेक्टर कहाँ पे, खुद को साईं समझते क्या वो? किधर है? तेरी हिम्मत कैसे उसे टच करने की? तुझे पता है वो कौन है? मेरी साली है साली, और मैं कौन हूँ पता है? चल चल चल, उसे बाहर निकल चल। अबे देखती क्या है? मैं बोला तुझे बाहर निकल से। हम पुलिस वाले तेरे जैसे 2% के नेता को जाने ना जाने, तू एक बात जान ले, कभी किसी पुलिस ऑफिसर पे हाथ मत उठाना, समझा ना? हवलदार, ऑन ड्यूटी लेडी पुलिस ऑफिसर पे हाथ डालने के लिए इसको अंदर डाल। तेरी नेतागिरी उतारता हूं मैं आज। चल गाड़ी होने ला। चल।
रवि चीयर्स। तेरे पॉलिटिशियन काका के नाम पे चीयर्स। लेकिन अजय इस बार तो काका को बोल के तेरा ट्रांसफर रुकवा दिया मैंने, लेकिन आइंदा ऐसा मत कर। ये नेता लोगों से क्या उलझता है यार तू? मतलब एक बात बता, ये चमाट मार के तुम्हारा फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ है। फिदा हो गई है मुझ पे। हाँ शिवानी। नहीं नहीं कुछ नहीं, बियर पी रहा हूं वो भी अकेले। नहीं नहीं हाँ तुम बोलो। हाँ कल मिलते हैं डिनर पे तुम्हारे घर। बियर एंड डिनर फिक्स। बाय। ना यार तू मतलब बियर दो यहां पे रख दो, दो फ्रिज में। बियर बट मैंने आज तक पी नहीं। कैसे? मुझे लगता है कि हमने ठीक नहीं किया। मतलब मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो बीवी और बच्चे हैं। शिवानी गलत किया है, गलत किया है, ऐसे सोचोगी तो गलत ही लगेगा। इसे अच्छा है सोचो ही मत। Be happy, enjoy life. यहां कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब साथ में काम करने वाले दो लोग एक गलत रिश्ता बनाते हैं, खासकर तब जब दोनों शादीशुदा हों, तो ऐसे रिश्तों का असर ना सिर्फ उनके परिवार पर बल्कि उस कंपनी उस संस्था पर भी पड़ता है जहां वो काम करते हैं। इस केस में शिवानी शिर्के पुलिस ऑफिसर थी, शादीशुदा थी, और वो अपने एक सहकर्मी शादीशुदा सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ गलत रिश्ता बना रही थी। इस केस में जो हुआ वो लगभग 2 सालों तक अखबार की सुर्खियां बना रहा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र पुलिस के लिए ये एक दाग की वजह बन गया, जिस दाग को मिटाना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? सर, अरे तुम्ही तुम्हाला मागच्या वेळी सांगितलं ना, तुम्हारा ताई के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो तुम्ही इन्फॉर्म करेंगे। पण सर कधी सांगणार आहे? पिछले 4-5 महिने से मैं पुणे मुंबई कर रहा हूं, लेकिन ताई की कोई खबर नहीं है। तुम्हारे ताई पुलिस में थी ना, तो इतना तो जानते हो कि पुलिस के पास सिर्फ एक केस नहीं होता। पर हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, आप कोशिश ही करते रहिए। अब तक आम आदमी गुम होने की खबर आती थी, अब तो पुलिस वाले भी गुम होने लगे। अरे पुलिस वाले गुम हुए ना तो पुलिस वाले ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे? भैया 6 महीने से पुलिस ढूंढ रही है इसे, अब इसका भाई भी दिन रात एक करके ढूंढ रहा है। अरे वाह परी, कशी आहेस बेटा? ठीक हूँ। बोल काय म्हणतेस? मामा जो लोग गुम हो जाते हैं उनको पुलिस ढूंढ निकालती है ना, और आई तो खुद पुलिस थी, पर फिर भी वो उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, हम है ना, बाबा है, आजी है, तुम हो, हम सब मिलके तेरी आई को ढूंढ निकालेंगे। कब ढूंढोगे और आप ऐसा क्या करोगे? सगळ्यात पहिले तर तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप आभार की तुम्ही इथे आलात, और ये प्रेस कॉन्फरन्स रखने का हमारा एक ही मकसद है, मेरी ताई शिवानी शिर्के जो कि खुद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, और ठीक 4 मार्च 2015 को लापता हुई थी, और हमने इसकी रिपोर्ट 6 जून 2015 को की थी पुलिस में, और इस बात को करीबन 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस का कोई भी जवाब नहीं आया।
इन सारी चीजों को लेकर हम सारे वरिष्ठ नेताओं के पास, सारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। हाँ, हमने 16 अगस्त 2015 को वकील के कहने पे कोर्ट में पेटीशन फाइल की। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि एक टीम बना के जांच की जाए और एक महीने में कोर्ट में रिपोर्ट करे। और एग्जैक्टली एक महीने बाद यानी 18 सितंबर को पुलिस टीम ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी और आदेश दिए कि नई टीम बनाई जाए और नई टीम की जिम्मेदारी सीनियर इंस्पेक्टर कीर्ति थॉमस को दी गई। नमस्कार। देखिए, बहुत वक्त हो चुका है, सो ऐसा शिवानी शिर्के के बारे में आपको जो भी पता है वो सब मुझे बता दीजिए। अब एक एक बात। हाँ, चाह गया ना? नहीं। एक चावल। ओके। शादी के एक साल बाद हमें बच्ची हो गई और फिर शिवानी ने कहा कि मुझे घर बैठना नहीं, कुछ करना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उसने पुलिस का एग्जाम दे दिया और पास हो गई। शिवानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गई थी। उसकी पहली पोस्टिंग मनमाड़ में हुई थी, घर से दूर, अकेले रहती थी वहाँ। हाँ, और वहीं पे उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अजय से हुई थी, वो वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर थे। मैडम, वो बेकार आदमी था, सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोरजकर, उसने ही मेरी वाइफ शिवानी को बहका होगा और पैर के जाल में फंसा लिया। वो जब भी घर में आती थी ना तो फोन में ही लगी रहती थी। परी, शिवानी काय चाललंय? इतक्या दिवसांनी तू घरी आलीस, फिर भी दिनभर फोन पे? तर मग पुलिस की ड्यूटी है मेरी, छुट्टी पर भी अगर पुराने केस को लेकर फोन आता है तो बात करनी पड़ती है, समझला? मैडम, ये जब बार बार होने लगा तो मुझे शक हुआ और ये शक दूर करने के लिए मैंने उसका फोन का बिल देखा। शिवानी, नहीं नहीं नहीं, पकड़ो इसको। नहीं शिवानी, ये क्या है? काय झालं? किससे बात होती है इतनी देर तक, रात को 1-2 बजे भी? ये किसका नंबर है? एक मिनट परी, तू आ जा। किती वेळा सांगितलं तुम्हाला, परी के सामने मुझसे चिल्ला के बात मत किया करो। शिवानी, बात बदलो मत, ये किसका नंबर है? कौन सा नंबर? ये अजय सर का नंबर है, मेरे सीनियर है और काम के सिलसिले में बात होती है हमारी। तुम बेकार में शक मत क्या करो। मैडम, उसके बाद शिवानी कह तो रही थी कि बेकार का शक कर रहे हो, पर मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है और सच पता करने के लिए मैं मनमाड़ चला गया। क्या भाई, आपकी चाय पुलिस स्टेशन जाती है ना, और पुलिस वाले भी आते हैं ना यहाँ चाय पीने के लिए? देखो साहब, अब चाय को घुमाने से एकदम कड़क चाय बनती है, अब बात को घुमाने से कुछ नहीं बनता। आप सीधे पॉइंट की बात करो ना। नहीं, वो सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोरजकर और सब इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के, उन दोनों में कुछ चल रहा है क्या? भाई, आप हो कौन? पुलिस वालों की जांच कर रहे हो? प्रेस वाले हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछा। आप बोलू पाएर चाह दे रहे तो साहब, वो जो खड़ा आदमी है ना साहब, वो अजय साहब और शिवानी मैडम के बारे में पूछताछ कर रहा था। अच्छा, तो इकड़े जा रहा था। मैडम, उसके बाद उसका ट्रांसफर नाशिक में हो गया। नाशिक होना आले नंतर तिचं वागणंच बदललं, मेरी जिंदगी रुक गई। शिवानी, शिवानी तू क्या कर रही है? अरे थोड़ी तो शर्म कर, 9 साल की तुझे बेटी है और तू ये क्या कर रही है? तुला एकदा सांगितलेला समजत नाही का? हाँ, देखो, हम दोनों का जो रिश्ता है ना वो हमारे माँ बाप ने बनाया था, इसलिए हम सिर्फ निभा रहे थे, कोई प्यार व्यार नहीं हमारे बीच में। ओके, अजय मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी भी करने वाला है, और परी भी मेरे साथ रहेगी अब। तू उस आदमी के साथ जाना चाहती है ना? या तू पुलिस वाली है ना, तो थोड़ा कानून मुझे भी पता है। मैं कोर्ट में बोलूंगा, तेरा अफेयर है। और एक बात सुन,
किसी भी हाल में तुझे बच्ची नहीं मिल सकती, समझी ना? ताई ऐसे अचानक घर छोड़ के चली गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था हमें, तो इसलिए मैं ताईला समझवायला सुद्धा गेलो होतो। पण ताई तू जानती है ना, तू जिस आदमी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है वो पहले से शादीशुदा है, इतने इतने बच्चे हैं उसके। हाँ मैं जानती हूँ, उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, बहुत जल्द वो अपनी बीवी को तलाक देने वाला है। ताई तुला कळत कसं नाही आगा? रुक 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 रुक, वो तेरा फायदा उठा रहा है, बेवकूफ बना रहा है तुझे वो। मैं तुझे ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता, तू एक काम कर, माला त्याचा नंबर दे प्लीज। काही गरज नाही आहे। प्लीज ताई नंबर दे। तुला नंबर नाही मिळणार आहे। एक मिनिट थांब। हेलो, कौन है ये आदमी? अब वो मेरे भाई आया है तो उससे बात कर रही थी, मैं आपको फोन करती बाद में। मैडम उस अजय ने मेरी ताई को पूरी तरह जाल में फंसा लिया था, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान उसको बर्बाद कर देगा। अरे अरे, अभी आपने ही बोला आपकी ताई अपनी मर्जी से उनका घर छोड़कर चली गई थी, बरोबर? तो उसके लिए आप सीनियर इंस्पेक्टर अजय को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैडम 6 महीने से ज्यादा हो गए थे शिवानी को घर छोड़ के, और अजय ने उसके साथ शादी भी नहीं की थी, और मैं अपने बेटी के लिए सब भुलाकर उसको अपनाने के लिए भी तैयार था, और अजय से बात करने के लिए मनमाड पुलिस स्टेशन चला गया। अजय, हाँ, मुझे आपसे बात करनी है, मैं शिवानी का पति। ए रुके, क्या किया इसने? ये अपनी बीवी पे हाथ उठाता है सर, उसी के कंप्लेंट पे इसे उठा लाए। कह रहे हैं लेके जाओ, चल फिर जाओ, चल सर, चल चल। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, उसके बाद मैंने शिवानी से बात करने की कोशिश की कि बच्चे के लिए तू घर वापिस आ, पर अजय मुझे धमकाने के लिए आ गया। ए शाणे, डर मत, तू लायक नहीं है शिवानी के, इसीलिए खुश नहीं है तेरे साथ। क्यों बच्ची को बीच में लाके उसको टेंशन दे रहा है रे? बच्ची चाहिए ना तुझको, तुरक बच्ची, शिवानी मेरे पास रहेगी, समझ गया ना? नहीं तो तुझे गायब करने के लिए मुझे टाइम नहीं लगेगा, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। उन्होंने आपको धमकी दी और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? मैडम मैं डर गया था। अच्छा, आपने बोला आपकी दीदी ने आपको टेक्स्ट किया था, तो लास्ट मैसेज है आपके पास? हाँ मैम, ये देखिए मैम, ताई का 6 मार्च 2015 को लास्ट मैसेज आया था, और मैम ये पेन ड्राइव में एक वीडियो है ताई का, और इसमें जो घर है ना मैम वो ताई का ही घर है, नासिक का, तब वहाँ ही पोस्टिंग थी उनकी। ये तो स्पाई कैमरा का फुटेज लग रहा है, एनी आइडिया शिवानी ने घर पर कैमरा क्यों लगाया? नहीं मैम, इस बारे में कुछ बात नहीं हुई हमारी कभी, लेकिन मैम उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वो ताई के साथ मारपीट कर रहा है। आपका बयान सुनकर और ये फुटेज देखने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि शिवानी के गायब होने में अजय का हाथ है। हो सकता है कि आपसे, आपकी बेटी से दूर रखने के लिए अजय ने उसे कहीं छुपाया होगा या परत लाना फुटेज। शिवानी के घर वालों ने आपके खिलाफ बयान दिया है, ये वीडियो फुटेज भी उन्होंने ही मुझे दी। उनका कहना है कि आपने शिवानी को कहीं छुपा के रखा है। शिवानी के घर वालों ने आपके खिलाफ बयान दिया है, ये वीडियो फुटेज भी उन्होंने ही मुझे दी। उनका कहना है कि आपने शिवानी को कहीं छुपा के रखा है। आपको लगता है मेरे जैसा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा क्राइम करेगा? लेकिन आपका शिवानी के साथ अफेयर तो था ना? हाँ हाँ था, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, और वो भी पोस्टिंग के कारण, वो भी घर से दूर, मैं भी घर से दूर, हो जाता है, लेकिन उसके गायब होने का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपने शिवानी के पति को धमकी दी थी गायब करने की, दी थी ना? हाँ दी थी, क्योंकि शिवानी के साथ मारपीट करता था, शिवानी बिल्कुल खुश नहीं थी उसके साथ। सर लेकिन मारपीट करते हुए तो आप नजर आ रहे इस वीडियो में। क्या मैडम, छोटी मोटी धक्का मुक्की को आप मारपीट का नाम दे रही हैं? देखिए देखिए देखिए, जब दो लोग रिश्ते में होते हैं ना तो ऐसी छोटी मोटी बात हो जाती है। एक एपीआई 10 महीने से गायब है, और आप एक सीनियर पीआई, इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? देखिए मैडम,
आप शिवानी के फैमिली वालों के बातों में मत आइए। पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए मुझ पर, एंड आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, आप जल्दी से जल्दी ये केस क्लोज कर दीजिए। आप भी सोचिए ना, बाहर कितनी बदनामी हो रही है ना पुलिस की। केस सॉल्व हो जाएगा तो बदनामी भी अपने आप दूर हो जाएगी। बट आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, प्लीज कोऑपरेट। ऑफ कोर्स आई विल। एनीथिंग एल्स? आप जा सकते हैं। थैंक यू। शिवानी के घर वालों के बयान और इस वीडियो के आधार पर इन पर केस बना दो किडनैपिंग का। ओके मैम। सीनियर भी अजय मोरस्कर बोलते हैं, कमिश्नर साहब से बात करनी है। हाँ जरा अर्जेंट है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, मैं आपको एक बार और तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी ताई शिवानी शिरके लापता है। और आप सब लोगों को याद होगा कि ठीक एक साल पहले जब कीर्ति थॉमस को अपॉइंट किया गया था, तब हम सबको लगा था कि अब शायद कुछ अच्छा होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, उम्मीद की किरण जाग उठी थी, और ऐसा होने भी लगा था। इनफैक्ट कीर्ति मैम ने सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोरजकर और केस सुद्धा केला होता किडनैपिंग का, लेकिन चार्जशीट बनाने के बाद कीर्ति मैम का ट्रांसफर हो गया और जितनी कुछ उम्मीद की किरण थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब 18 महीने से ज्यादा हो गया, मेरी पत्नी शिवानी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला, इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि हम लोग आज एक वीडियो शेयर करेंगे। इस वीडियो की एक एक कॉपी आप सबको दी जाएगी और इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि सीनियर इंस्पेक्टर अजय का मेरे ताई के किडनैपिंग में कितना बड़ा हाथ है। आंखों देखी बात को झुठलाना आसान नहीं होता है, और यही हुआ जब अजय मोरजकर का शिवानी शिरके के साथ मारपीट वाला वीडियो मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ गया। इस वीडियो ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भी हिलाकर रख दिया। सरकारी अफसर हो, नेता हो या फिर आम जनता, हर कोई शिवानी शिरके केस का हल चाहता था। पुलिस पर चौतरफा दबाव बना हुआ था कि किसी भी तरह से शिवानी की तलाश की जाए, लेकिन असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी शिरके को मिसिंग हुए 18 महीने बीत चुके थे। शिवानी जिंदा भी थी या नहीं, जिंदा होने की संभावनाएं कम थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी को छुपा कर रखना आसान नहीं होता, और खासकर तब जब पुलिस ने उस शख्स की तलाश में एक मुहिम छेड़ती हो। आखिरकार चारों तरफ से पड़ रहे दबाव और शिवानी के परिवार वालों की मांग पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कीर्ति थॉमस को दोबारा इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया। 4 जुलाई 2013 में शिवानी की पोस्टिंग हुई मनमाड़ एज सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अजय ऑलरेडी वहां पर ड्यूटी पे थे। फिर 4 अक्टूबर 2014 को शिवानी वॉज ट्रांसफर टू नासिक, लेकिन अजय अभी भी मनमाड़ में ही था। इस बीच शिवानी के पति को अजय और शिवानी के रिश्ते पर शक हुआ था। फिर 2015 जनवरी में अजय ने अपनी ट्रांसफर मुंबई करा ली, लेकिन शिवानी अभी भी नासिक में ही थी। देन मार्च 2015 में शिवानी की ट्रांसफर भी मुंबई हुई। शिवानी की ट्रांसफर तो हुई, लेकिन शिवानी ने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की। मिंडे, अब तक की इन्वेस्टिगेशंस में ये तो साफ पता चलता है कि शक तो इंस्पेक्टर अजय पर है, अपने पास बयान है, ये वीडियो क्लिप है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। ये क्लिप ही देखो ना, जिस तरह से शिवानी कैमरा में देख रही है उसे साफ पता चलता है कि ये कैमरा शिवानी ने ही प्लान किया है। लेकिन शिवानी ने अपने ही नासिक के घर में कैमरा क्यों लगाया था? शिवानी नासिक शिफ्ट हुई तो ऑलरेडी अपने पति से अलग रह रही थी, लेकिन उसकी इंस्पेक्टर अजय से शादी नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर अजय भी अपनी बीवी के साथ रह रहे थे, ना ही उनका डिवोर्स हुआ था, ना ही डिवोर्स फाइल किया था। शायद ये वीडियो दिखाकर शिवानी इंस्पेक्टर अजय को मजबूर करना चाहती थी कि वो उससे शादी करे। लेट्स सी, ये देखो दोनों साथ बाहर आए, बाहर उन दोनों में कुछ बातचीत हुई, बातचीत कोई प्लेजेंट नहीं थी, उनके फेसेस देखो। फिर शिवानी ने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन से नंबर डायल कर रही थी शायद अजय की बीवी का, अजय को डराने के लिए। फिर अजय ने मोबाइल खींच लिया, शिवानी को धक्का दिया, थोड़ी धक्का बुक्की हुई और शिवानी यहाँ पर जाकर बैठ गई और अजय आके यहाँ पर बैठ गया। फिर शायद अजय ने उसे समझाया हो, शायद अजय शादी के लिए रेडी हो गया, इसीलिए शिवानी कुछ दिन तक चुप बैठी।
या फिर ऐसा भी हो कि शिवानी शिर्के के मिसिंग केस में इंस्पेक्टर अजय का हाथ ही ना हो, कोई और ही इन्वॉल्व हो। लेकिन मैडम, किसी तीसरे आदमी का शिवानी को गायब करने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? अजय और शिवानी का रिश्ता, जिसे अजय और शिवानी का ये गलत रिश्ता मंजूर ना हो, शायद उसने शिवानी को गायब किया हो, गायब करके उसका खून किया हो। और मिंडे, एक काम करो, शिवानी के पति के और भाई के पूरे डिटेल्स मुझे चाहिए। और 5th मार्च 2015 से 15th मार्च 2015 तक शिवानी के सारे डिटेल्स आई वांट। फोन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ट्रैवलिंग डिटेल्स, आई वांट एवरीथिंग। वो मुंबई आई कि नहीं ये पता करना बहुत ज़रूरी है। मैडम, हमने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के के भाई और पति के पड़ोसियों से भी पूछताछ की, हमने उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उनमें से किसी का भी शिवानी के गायब होने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शिवानी मुंबई से बाहर गई थी या नहीं चेक किया? हाँ मैडम, 4 मार्च से 15 मार्च 2015 तक मुंबई से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने वाली हर फ्लाइट, हर ट्रेन, बस सबकी बुकिंग हमने चेक की, लेकिन शिवानी के नाम से कोई भी बुकिंग नहीं थी। इट मींस शिवानी मुंबई से बाहर गई ही नहीं थी। उसके फोन डिटेल्स, शिवानी के कॉल डिटेल के हिसाब से शिवानी ने अपने मोबाइल से आखिरी कॉल 4 मार्च को इंस्पेक्टर अजय को किया था, वो भी शाम को 7 बजे। उसके बाद शिवानी का फोन बंद हो गया। फिर ठीक 6 मार्च को उसका फोन ऑन हुआ और उसके फोन से अपने भाई को उसने एक SMS भेजा। उसके बाद फिर से उसका फोन बंद हुआ। इस टाइम भी शिवानी की मोबाइल की आखिरी लोकेशन मलाड़ी थी। जनवरी 2015 टू अप्रैल 2015 तक इंस्पेक्टर अजय के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कौन कौन खास है उसका। एक लेडी पुलिस ऑफिसर का गायब होना और इस तरह से गायब होना कि 2 साल तक उसका कुछ अता पता ना चले, इट्स नॉट इजी। अगर इंस्पेक्टर अजय का इसमें कुछ हाथ है तो कोई ना कोई इसके साथ जुड़ा होगा। जी मैडम। और एक बात, मार्च 2015 में अगर अजय के पास कोई ड्राइवर होगा तो वो कहाँ है, क्या करता है, पता करो और उसे बुला लो इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी मैडम। मैडम, क्या हम पिछले 2 साल में आसपास के एरिया में जितनी भी 30 से 40 साल की उम्र की महिलाओं की लावारिस लाशें मिली है उनके बारे में डिटेल पता करें? ऑफ कोर्स करो। मुझे भी ऐसे ही लगता है, अगर आज तक शिवानी का कुछ अता पता नहीं तो शायद उसका कत्ल कर दिया गया। अजय ने शिवानी के पति को धमकी दी थी गायब करने की, उसके बाद वो चुप बैठा। तदनंतर अजय और शिवानी से कैतरी भांडण झाला असल। अजय ने कुछ समझाने की कोशिश की होगी, शिवानी नहीं मानी होगी और गुस्से में आकर अजय ने शायद उसे, हो सकता है। परी, कहाँ जाना? मैं कल से स्कूल ले जाऊंगी। पर परी, क्या हुआ? आई की घड़ी ऐसे सपने देख ली, वो कहते हैं तेरी है दूसरे पापा के पास चली गई है और वो उन्हें मारते हुए भी वो उधर नहीं है। देखो परी, ऐसे ऐसे रोते नहीं है। और मेरी गुड़िया को कौन बोला हम कल स्कूल जाते हैं, पर अभी खाना खाते हैं। ऐसे रोते नहीं है, चल 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 आजा, आज रोते नहीं है परी। मैडम, हमने सीनियर इंस्पेक्टर अजय मुरादकर के ड्राइवर को उठा लिया है। देख, ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं शिवानी शिर्के को गायब होके, तो ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जो भी पूछेंगे उसका सही सही और इमीडिएटली जवाब देना। हाँ, अजय मुरादकर के साथ कितने सालों से काम कर रहे हो? 8 साल। थोड़ा ऊंचा बोल, सुनाई नहीं देता। 8 साल। 8 साल से। शिवानी मैम को जानते हो? वो मैडम साहब के साथ थे पहले, मनमाड़ में थे दोनों साथ। अच्छा, तो आपके साहब का और मैडम का कैसे रिश्ता था? क्या? मैडम का और सर का कैसा रिश्ता था? मैडम, मैं तो ड्राइवर हूँ इसीलिए सब पता होना चाहिए। हाँ, कैसे रिश्ता था? 4 मार्च 2015 को तुम्हारे सर और शिवानी मैडम एक दूसरे से मिले थे, क्या उनमें झगड़ा हुआ? मैडम, मिले थे या नहीं मिले अभी याद, बहुत दिन हो गए ना अभी। हाँ, ये अच्छा है ना, बहुत दिन हो गया मैं भूल गया, तो सही क्या है गलत क्या है मैडम पता करने की कोई जरूरत ही। मैडम, मैं झूठ काय को बोलूँगा, जो है वो आपके सामने बोला ना, मुझे ये याद नहीं है। अच्छा, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो हमारे तरीके से याददाश्त वापस ला दूँ, फिर तू भी जाएगा उसके साथ अंदर, चलेगा? मैडम, पिछले 2 सालों में आसपास के एरिया में 27 महिलाओं की बॉडी मिली थी, लगभग उनमें से 9 लाशें पहचानने भी मुश्किल थी। 2 महीने तक कोई क्लेम के नहीं आया, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मतलब उसमें से 1 लाश शिवानी की हो भी तो वो पहचानना मुश्किल है। मैडम,
2015 की सीनियर इंस्पेक्टर अजय के ये कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मैंने चेक किया, मैडम शिवानी के अलावा दो नंबर ऐसे हैं जिनके साथ सीनियर इंस्पेक्टर अजय की काफी बातें हुआ करती थी, वो भी लंबे समय तक। कौन है? मैडम एक तो है दिनेश कुलकर्णी जिसका नासिक में होटल है और दूसरा रवि पवार है। उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लो। क्या हुआ? मैडम ये रवि पवार जो है वो एक पॉलिटिशियन का बहुत करीबी है, बिना सबूत के उसके ऊपर हाथ डालना थोड़ा। हाँ लेकिन एक बात है मैडम, शिवानी शिर्के का 6 मार्च को आखिरी बार जब फोन ऑन हुआ था तो उसके मोबाइल की लोकेशन मलाड थी और उसी रात सीनियर इंस्पेक्टर अजय, दिनेश कुलकर्णी और ये रवि पवार, इन तीनों की मोबाइल की लोकेशन उत्तन की खाड़ी की दिखाई दे रही है। लगभग 45 मिनट तक वो लोग वहां थे। रवि पवार के मोबाइल की लोकेशन तो बाद में चेंज हुई लेकिन रात को 1 बजे से सुबह 4 बजे तक सीनियर इंस्पेक्टर अजय और दिनेश कुलकर्णी, इन दोनों की मोबाइल लोकेशन उत्तन की खाड़ी की ही थी। तला बोलो। वो दादा इकड़े ना। काय से या भाऊ? हाँ। कब से नाव चला रहे हो यहाँ पर? मैडम 6 साल से। 2 साल पहले 4 मार्च 2015 को रात को 1 बजे के आसपास कुछ लोग यहाँ पर आए थे, कुछ याद है? मैं तो 8 बजे घर पे चला जाता हूँ मैडम। अच्छा मार्च 2015 में कोई लाश मिली थी यहाँ पे? लाश तो मिलती रहती है लेकिन पक्का नहीं बता सकता हूँ। हाँ लेकिन उस वक्त एक पुलिस वाला 2-3 बार आया था, मैडम जैसा ही बड़ा ऑफिसर था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई लाश मिल जाए तो मुझे फोन करना। कुछ नंबर वगैरह दिया था? मैडम पुरानी बात है, एक पर्ची पे लिखा था, अभी पर्ची कहाँ पे याद नहीं आ रही। कुछ पहचान पाओगे उसे? वैसे तो याद नहीं है लेकिन लंबा चौड़ा था, रुबाबदार होता। मैडम एवढंच आठवत। 4 मार्च को शिवानी और अजय की एक दूसरे से बात हुई थी, उनके फोन रिकॉर्ड से ये डेफिनेटली पता चलता है और उस दिन वो मिले भी थे। उसके बाद शिवानी का फोन बंद हो गया। 6 मार्च को वो फोन ऑन हुआ और उससे शिवानी के भाई को एक मैसेज भेजा गया कि मैं हरिद्वार मेडिटेशन के लिए जा रही थी। उसके बाद उसका फोन बंद हुआ जो आज तक चालू ही नहीं हुआ। 6 तारीख रात से 7 तारीख सुबह तक सीनियर इंस्पेक्टर अजय और उसका वो दोस्त कुलकर्णी वो उत्तन बीच पर ही थे। और मैडम सीनियर इंस्पेक्टर अजय के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 8 और 9 तारीख को भी उनके मोबाइल का लोकेशन उत्तन बीच का ही दिखाई दे रहा है। सीनियर इंस्पेक्टर अजय यहाँ आए थे, उन्होंने उस बोट वाले से पूछताछ की लाश के बारे में। इसका मतलब शिवानी मर चुकी है और इंस्पेक्टर अजय का शायद उसके खून में इन्वॉल्वमेंट है। अजय ने उसको मारा और उसकी लाश को समुन्द्र में फेंक दिया। मार्च 2015 रात 10:13 को तुझे सीनियर इंस्पेक्टर अजय मोरस्कर का फोन आया था। क्या मैडम आप भी 2015 की बातें 2017 में करके गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। गड़े मुर्दे उखाड़ने तक जिंदा सच बोले। फोन आने के बाद तू डायरेक्टली अजय को नहीं मिला, तू अंबरनाथ गया, वहां पर कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर आके अजय को मिला। हमें पता है अजय का फार्म हाउस अंबरनाथ में, क्या किया था फार्म हाउस पर? ऐसे ही दोस्त के फार्म हाउस पर जाना कोई गुनाह तो नहीं है ना? गुनाह तो नहीं है लेकिन गुनाह हुआ था। अजय के ड्राइवर का कहना है कि उस दिन वहां पर क्राइम हुआ। 6 मार्च 2015 उत्तन की खाड़ी में शिवानी शिर्के की लाश को फेंका गया था। तब वहां पर तू, रवि और अजय मौजूद थे। 45 मिनट के बाद रवि तो वहां से निकल गया लेकिन तू और अजय सुबह 4 बजे तक वहां पर थे, इंतजार कर रहे थे। मैडम आप क्या बोले जा रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि शिवानी की बॉडी वापस ऊपर ना आए, डर लग रहा था तुम लोगों को। 2 दिन बाद वापस अजय वहां पर गया पूछताछ करने के लिए बॉडी के बारे में लेकिन तब कुछ पता नहीं चला। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस सब में शामिल नहीं था, मैं तो बस वहां गया बाद में। लेकिन तबियत गहला और इसके दोस्त रवि के नाम पे भी वारंट निकालो। मैडम लेकिन मेरी बात तो सुनो मैडम। रुके रुक रुक, कैसा ले गए हाथ कैसा लग तुम्हें? आपको पता है मैं कौन हूं? एक फोन करूंगा ना
सबकी वर्दी उतार दूंगा मैं। चलो निकलो बाहर, चलो। देखते हैं अब तेरी मदद कौन करता है। गैलार। ये छोड़ूंगा नहीं मैं। हमारे पास सारे सबूत हैं कि तुमने इंस्पेक्टर अजय को मदद की थी ऑफिसर शिवानी का खून करने में। तुमने, इंस्पेक्टर अजय ने, अजय के ड्राइवर ने और तुम्हारे दोस्त कुलकर्णी ने, चारों ने मिलकर शिवानी की लाश को ठिकाने लगाया। अभी तुम्हारे दोस्त कुलकर्णी ने और अजय के ड्राइवर ने ये बात कबूल कर ली। देखिए मैम, आप मुझे उलझाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी सब तरकीब जानता हूँ मैं वही कहूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। शिवानी को गायब हुए ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। जो भी है मुझे सच सच बता दो। क्या है, यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम तो जानते हो। हम कर सकते, जो हुआ जैसे हुआ हमें बता दो। सरकारी गवाह बनाकर तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। बोल। अच्छा, तुम ऐसे नहीं बताना चाहते, मार खाकर बताना चाहते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिंडे है ये, मात्र 24 घंटा लगातार तुम्हें मार सकते हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बता दूंगा, जो भी किया अजय ने किया। क्या किया? मेरे मना करने के बावजूद किया। मैं वो अजय और शिवानी दोनों शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी मनमाड़ पोस्टिंग के टाइम अजय ने शिवानी को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। जब शिवानी के पति को शक होने लगा तो शिवानी, प्लीज शिवानी, क्या हुआ? अजय, हमें ये सब रोक देना चाहिए। क्यों? डिपार्टमेंट में सब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे और उधर मेरे पति को भी शक हो गया। एक काम करते हैं, मैं तेरा ट्रांसफर करवा देता हूं नासिक। रवि, पॉसिबल है ना? हाँ, हो जाएगा ना, मैं बात करता हूँ, हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस झंझट ही खत्म। फिर अजय ने शिवानी की ट्रांसफर नासिक में करवा दी, लेकिन इससे उसके पति का शक कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया और उन दोनों में झगड़े शुरू हो गए। काय करूँ, काहीच गलत नहीं है। उधर माधव मनमाड़ पहुंच गया हमारे बारे में पता करने के लिए। तो एक काम कर, तू सब कुछ अपने पति को बता दे, हम लोग शादी कर लेते। क्या? उसके लिए तो डिवोर्स लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो ले लेना डिवोर्स। मैं भी अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेता हूँ, झंझट ही खत्म कर देते। मैडम, शिवानी अजय के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई और जब अजय ने उसे टालना शुरू किया तो शादी के लिए पीछे पड़ गई। अरे यार अजय, तुम शिवानी, तेरे मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा शांति से बात कर लेते। शांति से? क्या शांति से रवि भाऊ, मैंने इनके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और ये पिछले 3 महीने से हमारी शादी की बात टाल रहे हैं और अब तो कह रहे कि शादी ही नहीं करेंगे, तो क्या मुझे ऐसे ही रखेंगे? हाँ, तेरे से प्यार करता हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? नहीं है काफी। और तुम ना मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं जानती हूँ कि तुमने मुंबई ट्रांसफर क्यों लिया है, इसलिए ना, ताकि मैं तुम्हारा पीछा ना कर सकूं। हाँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तो शिवानी ने अजय का पीछा ही नहीं छोड़ा, उसने भी मुंबई ट्रांसफर ले ली जी। और फिर 4 मार्च को अजय का फोन आया मुझे। क्या हो गया अजय, अंदर तो आने दे यार, क्या हो गया? अरे हो गया यार। अरे क्या हो गया, मर गई? जरूरी था। क्या जरूरी है? तू ज्ञान मत दे अभी। अरे यार तू, इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ए जगत, एक काम कर, बाजार जा, वो बड़े वाले चाकू मिलते हैं ना, वो लेके आ। नहीं नहीं, रुक रुक रुक, नहीं ये चाकू से नहीं कटेगी। तू वुड कटर लेके आ। उसी रात दिनेश वो वुड कटर अजय के अंबरनाथ वाले फार्म हाउस से लेके आया और मर्डर में मैं इन्वॉल्व नहीं था। मैंने लाश ठिकाने लगाने में अजय की मदद की, लेकिन बाकी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लाश के टुकड़े करने के बाद क्या किया? वुड कटर लाने में, लाश के टुकड़े करने में बहुत समय निकल गया। जगत को भेजकर लोहे के ट्रंक मंगवाए, लाश के टुकड़े उसमें भरे और वो 6 तारीख को हमने वो ट्रंक उत्तन के खाड़ी में फेंक दिया।
दो साल बाद समंदर की गहराई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के की बॉडी को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पुलिस शिवानी को इंसाफ दिलाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने इंडियन नेवी और एक प्राइवेट शिपिंग कंपनी की मदद भी ली। ऐसा माना जा रहा था कि उनके आधुनिक उपकरणों की मदद से समंदर की गहराई में लाश के हिस्सों को तलाशा जा सकेगा और इस तलाश का एक दिन का खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक था। लेकिन हफ्तों के तलाश अभियान के बावजूद कोई सफलता हाथ नहीं लगी, पर इंस्पेक्टर थॉमस हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी तेज कर दिया था। शिवानी का कत्ल हुआ 4 तारीख को। उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए गए ऐसी ट्रंक में रखने लायक। इट मींस 2 दिन उसकी बॉडी को घर में रखा गया था। डेफिनेटली खुले में तो नहीं रखा होगा, नहीं तो बदबू आती। तो ऐसी किसी जगह पे संभाल के रखा गया था, फ्रिज में। मैडम, इस फ्रिज से सैंपल उठाना बहुत मुश्किल है। 2 साल बीत चुके हैं तो कुछ भी नहीं है। एक काम करना, फ्रिज को ही लेकर चलना, लैब में जाकर चेक करेंगे। बाथरूम को धुलाना आसान है, लेकिन फ्रिज को इस तरह से खोल कर धोना बहुत मुश्किल है। 2 साल पहले अगर शिवानी शिर्के के बॉडी के टुकड़े करके इस फ्रिज में रखे गए, ब्लड स्टेन्स तो जरूर मिलेंगे। यस मैडम। 2 साल पहले एपीआई शिवानी शिर्के की बॉडी को समंदर में फेंका गया था, जो आज तक नहीं मिली। अगर सीनियर इंस्पेक्टर अजय पे हमें पक्का केस बनाना है तो हमारे पास ठोस सबूत चाहिए। वो ट्रंक जिसमें शिवानी की बॉडी के टुकड़े रखे थे, वो कहाँ से खरीदी थी, और वो वुड कटर, वो वेपन जो क्राइम में यूज किया था, वो कहाँ से खरीदा था, वो कहाँ पर है पता करो। ओके मैम। मैडम, पास वाले दुकान से वो लोहे का ट्रंक खरीद लिया था मैंने। बाद में वुड कटर साहब बोला कि फार्म हाउस में रख देना, तो रख दिया था मैंने। वुड कटर अगर फार्म हाउस पे रखा था तो हमें क्यों नहीं मिला? पूरा फार्म हाउस शान मारा था हमने। मैडम, ये केस फिर से ओपन हुआ तो साहब बोले कि वो भंगार में बेच देना वुड कटर, तो मैंने बेच दिया। मतलब वुड कटर मिलने के चांसेस भी बहुत कम है। मैडम, कुछ नहीं मिला है आपको, कोर्ट में साबित क्या करोगे? इन लोगों ने यहाँ पे बयान दिया है ना पुलिस स्टेशन में, आप तो जानती हैं पुलिस स्टेशन में दिया गया बयान कोर्ट में काम नहीं आता। बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो आप। सुन रहे ना आप, आपने बेकार में इतनी मेहनत की, बेकार में आपने क्राइम सीन में इनका साथ दिया और बेकार में फंस गए। और रहा सवाल सबूतों का, वो तो ढेर सारे हैं हमारे पास आपका क्राइम प्रूव करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारा कानून भी वो मानेगा। जिस दिन आपको सजा होगी उस दिन शिवानी शिर्के और उसकी फैमिली को जस्टिस मिलेगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शिवानी शिर्के कभी वापस नहीं आएगी। उनकी बेटी, उनके भाई और उनके परिवार वालों की जिंदगी में जो खालीपन आ चुका है वो कभी नहीं भरेगा। लेकिन उन सभी अपराधियों को एक सही सजा मिल जाएगी तो उन सबको एक सुकून जरूर मिलेगा कि शिवानी शिर्के को न्याय तो मिला। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजय मोरजकर को सस्पेंड कर दिया गया है और सभी आरोपियों अजय मोरजकर और उनके बाकी साथियों दिनेश कुलकर्णी, रवि पवार और जगत गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। ये केस फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन किसी भी आरोपी पर दोष साबित नहीं हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि शिवानी को न्याय जरूर मिलेगा। इस केस ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्यों अंजाम जानते हुए भी लोग नाजायज रिश्ते बनाते हैं, क्यों एक गलत खुशी को जीने के लिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।